हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप ये जो आर्टिकल है आपका वो है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में आपको पता होगा कि जो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप है वो बहुत क्लोज़ है कल्चरली हुई क्योंकि हम जब इंडिया नेपाल रिलेशनशिप का बात करते हैं तो उसमें टर्म आता है रोट रोटी बेटी का रिश्ता मतलब कि हम कई हमारे यहाँ शादियाँ भी एक दूसरे फैमिलीज़ में होती हैं जो कि एक फैमिली नेपाल में हो और दूसरी फैमिली जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे हो तो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप को अगर हम क्लोजली मॉनिटर करें तो रिसेंटली रिसेंट टाइम में कुछ टर्मॉइल्स देखे गए हैं स्पेशली ड्यू टू चाइना ठीक है ओवरऑल uh, ऑल uh, लेकिन अभी भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन हमें ये इंस्योर करने की ज़रूरत है कि चाइना का फुटप्रिंट वहाँ कम से कम हो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप का 75 फाइव ईयर्स हो गया है ऑफ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नेपाल हमारा इम्पोर्टेंट नेबर भी है और हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट सेवन बिलियन है इंडिया का नेपाल सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और ओवर द टाइम देखा गया है कि नेपाल uh, के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है वो आठ टाइम एट टाइम्स ग्रो किया है बहुत सारे रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं भी हैं जैसे बुद्धिस्ट विहारा इन लुम्बिनी इन बाय इंडिया जो कि इंडिया मतलब उसमें इन्वेस्ट करेगा साथ में क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भी हो गया तो इस तरह से हम कई सारे रिसेंट स्टेप्स भी ले रहे हैं हमें कोऑपरेशन की क्या ज़रूरत है या हम क्या क्या, क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं उस पर देखें तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया किरण साथ में गोरखा रेजिमेंट जो हो गया इंडिया का उसमें आपका नेपाल के साथ हम इन्वॉल्व हैं उसी तो वाटर ट्रीटी भी इंडिया नेपाल के साथ किया हुआ है जैसे कि कोसी ट्रीटी महाकाली ट्रीटी इसमें क्या है कि हमने बात की है कोऑपरेशन की और साथ में कि कैसे हम फ्लड मैनेजमेंट या वाटर रिसोर्स को कैसे बेटर मैनेज करेंगे इसके ऊपर डिस्कसन हुआ है इनर्जी के बीच ऊपर भी बातचीत चल रही है जैसे कि मोतिहारी बिहार से अमलखंड जो नेपाल में है ये एक ऑयल पाइपलाइन क्रॉस बॉर्डर ऑयल प्रोडक्ट पाइपलाइन बिछाया जा रहा है उसी तरह सोलू कॉरिडोर है जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ इस्टेब्लिस किया जा रहा है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है जैसे रक्सौल काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट एडुकेशन रिलेटेड अगर आप देखो तो बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है और आ, बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स अपना हायर स्टडीज़ इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में आके कंप्लीट करते हैं कल्चरली देखो तो हमारा वो क्लोज हिस्टोरिकल लिंकेज भी है और जो रिलीजन है मतलब कि बहुत सारे हिंदू पॉपुलेशन आपको पता है मेजोरिटी नेपाल में हिंदुज़म का है तो वो भी एक फैक्टर है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बात करूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है नेपाल का स्टेबल रहना इंडिया के लिए तो समझिए कि नेपाल जो है एक बफर की तरह काम करता है बिटवीन इंडिया और चाइना उसका जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इस कारण से इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेबल रहे पॉलिटिकली और सिक्योर रहे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार नेपाल का जो बॉर्डर है वो नहीं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो या स्मगलर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि Uh, अगर आप देखो नेपाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने इन्वेस्ट किए हैं जैसे कि आपका पंचेश्वरी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मोटोरेबल ब्रिज ओवर महाकाली रिवर क्रॉस बॉर्डर रेलवेज तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जरूरी है कि हम नेपाल को सेफ रखें सिक्योर रखें और स्टेबल रखें उसके बाद जो फ्लड वाटर मैनेजमेंट हाइड्रो पावर इन पीपल टू पीपल कंटेक्ट कनेक्ट आपको पता है मधेसी जो है वो उनके साथ स्पेशली ये जो ग्रुप है मधेसी का उनके साथ हमारा बहुत क्लोज टाई अप है एथनिकली भी और आ, आ, जो रोटी बेटी का रिश्ता है वो मधेसी पॉपुलेशन के साथ ज़्यादा है तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल हमें नेपाल का स्टेबल रहना जरूरी है चैलेंजेस अगर बात करूँ तो पहला चैलेंज तो हर एक एंगल से आपको इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशली इन जब आप देखोगे इंडिया के बारे में तो उसमें चाइना कहीं ना कहीं रहता ही है तो यहाँ पे भी चाइना है चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और चाइना नेपाल को यूज़ कर रहा है अगेंस्ट इंडिया कई बार ऐसे भी नैरेटिव नेपाल में देखे जाते हैं जो कि चाइना के कारण होता है एंटी इंडिया रेटोरिक जो है अभी नेपाल में और उसके इस एंटी इंडिया uh, जो स्टैंड है इसको पॉलिटिसाइज किया गया था नेपाल में यह देखने को मिला उसके बाद जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर जो इशू uh, है उसको जिस तरह से नेपाल एग्रेसिव हो रहा है उस बारे में जैसे कि काला पानी बाउंड्री इशू है जो है उस पर उसने थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड दिखाया उसी तरह नेपाल ने ज्वाइन किया है बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव यह जो चाइना का है आपका इसको ज्वाइन कर लिया है जो कि ऑफकोर्स इंडिया सपोर्ट नहीं करता दूसरा कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें देखा गया है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और नेपाल की तरफ से कम एक्सपोर्ट आ रहा है इंडिया की तरफ तो ये जो गैप है इसके कारण नेपाल में थोड़ा सा डिसकंटेंट है तीसरा एक डिस्ट्रस्ट मतलब कि एक तो चाइना फैक्टर दूसरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इशू कुछ भी पॉलिटिक्स के कारण वहाँ पे नेपाल का जो आ, एंटी इंडिया स्टैंड है या लोग कुछ लोग जो है एंटी इंडिया स्टैंड लेके एक इस कारण से डिस्ट्रस्ट भी आ रहा है दोनों के दोनों के रिलेशनशिप में उसके बाद आपको पता है कि जो नेपाल का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है और इसके कारण क्रॉस मुद, बॉर्डर मूवमेंट होता है लोगों का और पीपल तो ये इससे क्या होता है कि जो नेपाल का डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या लोकल लाइवलीहुड है या लॉ एंड ऑर्डर है और लास्टली कोविड कोविड में सम, देखा गया कि कई बार आ, जो बॉर्डर का एरिया है वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नेपाल में जस्ट बिकॉज ऑफ द ओपन बॉर्डर विथ इंडिया उसके बाद साथ में ये भी देखा गया है कि जो पॉलिटिसाइजेशन करके हर इशू पे कहीं कही ना कहीं इंडिया को टारगेट किया जा रहा है नेपाल में तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एंटी इंडिया स्टैंड एक बड़ा वहाँ पे देखा गया है उसके अलावा आपका चाइना का इशू तो है ही रोड अहेड अगर आप देखोगे तो इसमें वही है कि हमें जो उनका ट्रस्ट है लोगों का ट्रस्ट है ठीक है आ, वो जीतना जरूरी है क्योंकि लोगों को जब नेपाल में अटकुए आया था उस समय भी जो जिस तरह से हमारी मीडिया ने वहाँ जाके पूरा सूट किया या जिस तरह से दिखाया लोगों को तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को हर्ट किया दूसरा कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नेपाल में वो बहुत स्लो प्रोग्रेस चल रहा है जिस तरह चाइना अपने प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करता है हम नहीं कर पाते उसके कारण भी ट्रस्ट गैप है तीसरा है कि जो बायोलेट्रल मैकेज़म है वो जरूरी है कि हम उसको सही तरीके से यूज़ करें सेटअप करें जो मल्टी लेट्रल फॉर्म्स हैं जैसे कि बी बी आई एन हो गया बिम्स्टेक नैम सार्क ये सारे बॉडी अवेलेबल है कोई अगर प्रॉब्लम है कोई कन्फ्लिक्ट है तो बातचीत कीजिए इन प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद सस्टेंड इंगेजमेंट लिमिटेड इंटरफ्रेंस मतलब कि नेपाल को कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक हेजमॉन की तरह इंडिया ना एक्ट करे, एक बिग ब्रदर की तरह ना एक्ट करे, बल्कि एक जो नेपाल का जो पूरा पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफ्रेंस या किसी भी तरह का इंगेजमेंट नहीं चाहता नेपाल फ्रॉम इंडिया वेट रोड एहन में और फिर आगे आपका होगा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन आप आगे बढ़ाना की ज़रूरत है हम जो भी प्रोजेक्ट्स वहाँ कर रहे हैं उसको और ज़्यादा स्पीड के साथ विथ एडोक्ट रिसोर्स लगा के कम्प्लीट करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो नेपाली लोग हैं वो हमारे ऊपर वापस ट्रस्ट कर सकें उसके बाद जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 का उसको रिविज़िट करने का ज़रूरत है क्योंकि नेपाल को लगता है कि उनके जो इश्यूज़ हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसको नहीं कवर किया है इस ट्रीटी ने तो इस कारण से वो चाहते हैं कि जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 का उसको रिविज़िट किया जाए तो इंडिया कुछ भी चेंज कर ले लेकिन अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकता और नेपाल तो हमारा इतना क्लोज़ नेबर रहा है तो इसलिए जरूरी है कि इस रिलेशनशिप को हम सस्टेन करें और आगे बढ़ाएँ तो इसी के साथ आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा अगर समझ में आया है अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू